हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम आज जबरदस्त नहीं है क्योंकि आजकल बहुत ही कठिन परिश्रम के दिन चल रहे हैं हमारे, क्योंकि असर हो रहे हैं गेहूं की तुराई, मतलब गेहूं चूट रहे हैं। हम तुराई बोलते हैं शायद, हाँ तो हम गेहूं चूट रहे आजकल। अभी हम गेहूं, ये देखिए पूरे गेहूं सुखा रखे हैं, और इस साइड यहाँ भी गेहूँ टूट रहे हैं, वहाँ भी गेहूँ टूट रहे हैं, सभी गेहूँ टूट रहे हैं, हर जगह गेहूँ टूट रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि पहाड़ों में गेहूँ की तुराई किस ढंग से होती है ना, और किस किस टाइप के गेहूँ मिलते हैं। तैयार हो जाइए हमारे साथ इस ब्लॉग को इंजॉय करने के लिए। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो ना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी उत्साहवर्धन होगा हमारा कि आपके पास हम अच्छे अच्छे ब्लॉग ला पाएँ। तो ठीक है, चलिए हमारे साथ। अभी इनको हम नीचे लफाते हैं, ऐसे उठाना है, ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ना है और ऐसे नीचे को लफा देना है। और लफाओ है? ओके, तो अब चलते हैं नीचे का सीन दिखाते हैं आपको किस हिसाब से चल रहा है। आज जो ये पूरा दिख रहा है ना सूखा, ये जो बिछाया हुआ है, फैलाया हुआ है, ये सब इसको पूरा ख़त्म करना है। आज हमने चूटना है मतलब, और फिर कल के लिए वो गट्ठे रखे हैं उनको सुखाएंगे, फिर चूटेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर चूटेंगे। बहुत ही क्या बताऊँ मैं, यश रॉक की तनाका हरो, बहुत ही जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर गेहूँ टूटे हुए के बीच ऐसे हैं। गेहूँ कहाँ है? गेहूँ ये है, गेहूँ ये गेहूँ निकल चुके हैं, और ये इन्हें अभी चूटना है। पापा चूट रहे हैं, मम्मी चूट रही है, इधर हर्षता भी चूट रहे हैं, और जतिन के चेहरे पे बहुत ही मायूसी उत्साह नहीं है, मायूसी है। और यहाँ भी चूट रहे हैं, पूरा दोनों चौथर भरे रखे हैं गेहूँ से। और ये है नऊ, जो चूट के खाली होता है, घास मिल जाती है, वो है ये। और ये है हर्षिता, ये तो खत्म हो गया पूरा। हर्षिता को गुस्सा आ रहा है, खाली काम पर लगा देता है धूप में, है ना हर्षिता? बोले ये क्या लीजिए, खड़ो उन पक है, इससे आज पू बन गए, बोल पू खाने वाले है ना। फिर से आ गई है बारी छत से नीचे गेहूं के पू को लफाने के लिए हमारी। चलो दोस्तों, हमारा गेहूं चूटने का पहला चरण समाप्त होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब गेहूं के बूंग नहीं है, सिर्फ गेहूं गेहूं है,
और ये ब्लड हैं, ये इन्हें कहते हैं ब्लड, इनको कहते हैं ब्लड। और यहाँ पर ये हो गया भैंस के लिए नऊ, ये भैंस के लिए नऊ हो गया है। और इसके बाद आगे का थोड़ा आपको दिखाएंगे हम अभी थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। के और मुगर भी उठा लिया हमने, और कुछ और कुछ अब उस सड़क पटकू मुगर पटको लो, मैं क्या सुनने को मिल रहा है यार, काम करो तभी बात सुनो, है ना, ये बहुत गलत बात है। हवा भी बहुत तेज अच्छी अच्छी हवा चल रही है, जिससे हमें ठंडक मिल रही है कड़ी धूप में, थकान शरीर में भर भर के हो चुकी है थकान। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में मिलते हैं आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मम्मी इकट्ठा कर रही है, ये दूसरे चरण की कार्यवाही चल रही है अभी। और उधर अपने भैंसों के गट्ठे ले जा रहे हैं, भैंसों के लिए नौ के गट्ठे गुड़ा। फटाफट करो जल्दी करो जल्दी, मुंह मन लगाना दसो ये आ गया है दसो मिनट की मैं स्टार्ट गेहूँ चुटने का दूसरा तो स्टार्ट हो चुका है, गेहूँ के अच्छे से कुटाई हो रही है अब, और हम भी करते हैं फटाफट। बोल क्या हो रहा है, ये पानी में डाल लो, सब काम करते हैं हम भी अब। आखिरकार कार्य संपन्न हुआ हमारा, अब हो रहा है यानी मेरा बताने का, अब है छिटाई का काम, मतलब बिताने बताने बताने कहते हैं पहाड़ी में, मतलब धूल को उड़ा दिया और गेहूं के बीज को अपने पास इकट्ठा कर लिया, समझ रहे हो, मतलब छिटाने का काम कहते हैं, छिटाने का काम। तो तैयार रही हमारे साथ, अभी थोड़ा रेस्ट, अभी है लंच ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं आपको फिर से। चलिए लंच ब्रेक के बाद तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है गेहूं बताने का, जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे नीचे पंखा लगा है, ऊपर से ऐसे नीचे को गेहूं लफाते हैं और जो धूल होती है वो उड़ जाती है और गेहूं जमीन में आ जाता है। ये कार्यवाही अब एक घंटा चलेगी, उसके बाद अच्छे से गेहूं के बीज हमें प्राप्त होंगे, ठीक है जी, समझ रहे हो जी, ये बात है। ये देखिए धूल सब उड़ के यहाँ आ गई है और गेहूँ वहाँ पर इकट्ठा होना है अभी भारी मात्रा में, फिर ये जो एक हिस्सा अलग हो जाएगा, फिर उसको फिर कूटेंगे, फिर उसको हिस्सा अलग करेंगे, तो वहाँ पर बीज इकट्ठा होंगे। ये ऐसी कार्य उधर भी चल रही है और जो ये चीज़ है, ये जो इसे हमने फेंकना नहीं है, इसे हमने इकट्ठा कर देना है, ऐसे सारे को सारे का एक गट्ठा बना, गट्ठे मतलब सारे का एक झोला बना के और ऐसे इकट्ठा हो जाता है, इसे कहते हैं चिल, जो ये भी भैंस काम आता है चारे के लिए। जैसा कि एक घंटे बाद हम बाहर आए और कार्य संपन्न हो चुका है, उधर चिल बन चुका है
इधर लास्ट गेहूं के दाने बचे हैं, एक कट्टा भर चुका है, एक कट्टा संभाल चुके हैं। तू क्या चाहते ये कौन सा तू मैं मैं और आज की गेहूं की तुराई, गेहूं मारना समाप्त हुआ।